हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गट्सट लर्न अकेडमी वनस अगेन इस वीडियो को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसके लिए सॉरी अब हम कोशिश करेंगे कि जितना भी वीडियो आए वो जल्दी जल्दी कंटिन्यूअस फॉर्म में आए ठीक है चलिए तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या इस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर थर्टीन चैप्टर थर्टीन किस चीज़ का आप लोग को पता होना चाहिए हम किस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज आई क्लास टेन आई क्लास टेन मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे न्यू वाले बुक से ठीक है जिसमें हम लोग चैप्टर थर्टीन को स्टार्ट करेंगे जिसमें है सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला ठीक है तो हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे सेक्शन फार्मूला का क्योंकि अगर आ, किसी भी चीज को कंप्लीट करना है ना तो आप उसको टुकड़ों में बांटकर कंप्लीट कीजिएगा ना बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट मिलेगा ठीक है तो हम लोग इसमें देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला का पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं छोटा सा वीडियो रहेगा कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होगा छोटा सा वीडियो कॉन्सेप्ट समझेंगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या है सेक्शन फार्मूला अब सेक्शन फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं देखिए बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ना नहीं है हम लोग को सिर्फ समझ लेना कि क्या है एक्चुअली ठीक है तो सेक्शन फार्मूला क्या है लिखा हुआ क्या है फाइंडिंग कॉर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट मतलब किसी पॉइंट का कॉर्डिनेट्स को फाइंड करना है विच डिवाइड्स जो डिवाइड्स कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो के फॉर्म में ठीक है जैसे इसको हम लोग डायग्राम के बेसिस पर समझते हैं मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है ठीक है एक लाइन है जिसका एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स वन वाई वन हम बोल सकते हैं और इसका कोऑर्डिनेट एक्स टू और वाई टू है सपोज कर लेते हैं कि एक लाइन आता है एक पॉइंट आता है यहाँ पर एक पॉइंट है पी जो इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है एम वन रेशियो और एम टू रेशियो में ठीक है हमको अगर हम बोलना अगर हम बोलना चाहें तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है कोऑर्डिनेट तो एक्स और वाई के फॉर्म में ही होता है यानी कि हम लोग को एक्चुअली क्या फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू वर्ट और वाई इज इक्वल टू वर्ट यही फॉर्मूला हम लोग को जानना है ठीक है तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे मेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम बना लेते हैं हम फिर से अच्छे से ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो सीधा फार्मूला देखेंगे बहुत ज़्यादा आलजाल करने का ज़रूरत नहीं है हम लोग सीधा फार्मूला पर आते हैं ठीक है एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं दैट इज ए और बी ये हमारा एक्स वन और वाई वन ये है हमारा एक्स टू और वाई टू ठीक है कोई पॉइंट आया है पी ठीक है इसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई रेशियो uh, क्या चीज में गिवन दिया हुआ है एम वन और एम टू हम लोग को इस एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करके बताना है तो सिंपल है एक थ्योरम uh, uh, हम लोग पढ़ते थ्योरम बोल लो चाहे ट्रिक बोल लो वो लोग चीज पढ़ते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करेंगे ठीक है चलिए तो अगर हम m का वैल्यू ले रहे हैं तो हम लोग क्या में जाएंगे x2 टू में जाएंगे और m2 टू का वैल्यू ले रहे हैं तो इसमें x1 वन में जाएंगे ऐसे करके चलेंगे तो x का uh, x का वैल्यू कितना हो जाएगा x का अगर हम लोग वैल्यू निकाले तो x इज इक्वल टू ठीक है कितना हो जाएगा m1 x2 देखिए m1 x2 प्लस एक्स वन एम टू एक्स वन और वाई कितना हो जाएगा एम वन और प्लस एम टू एम टू है एम वन प्लस एम टू सीधा सा फॉर्मूला उसी तरीके से अगर वाई का वैल्यू फाइंड करना अगर चाहें तो कितना हो जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन और बाई एम वन और प्लस एम टू ये दो फॉर्मूला हो गया एक्स और वाई का बस आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना और सही से कैलकुलेशन करना है देखिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये ऐसा सब क्वेश्चंस में ना सिर्फ कैलकुलेशन है इंटीजर का जो जोड़ घटाओ हम लोग एडिजनस अपट्रैक्शन वगैरह पढ़े ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक मिस्टेक हुआ एक माइनस का प्लस एक प्लस का माइनस हुआ ना पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाता है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है तो वो ध्यान में रखिएगा ठीक है तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कैसे करना है ठीक है देखिए अगर एम वन को ले रहे हैं तो हम लोग एक्स टू को लेंगे और एम टू को ले रहे हैं तो हम लोग एक्स वन को लेंगे फिर x का वैल्यू के लिए अगर y का वैल्यू फाइन कर रहे हैं तो अगर m1 को लेंगे तो y2 कैरी करेंगे और m2 लेंगे तो y1 कैरी करेंगे बस हम लोग को यही करना हो नीचे में हमेशा m1 वन प्लस एम ही रहेगा ये आपको ध्यान में रखना होगा तो ये फॉर्मूला आपको जरूर ध्यान में रखना है ठीक है और इससे क्वेश्चन लिटरली पूरा का पूरा सॉल्व होगा यही है सेक्शन फॉर्मूला हमारा है ना चलिए एक नया कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है भाई दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग को रेशियो फाइंड करना रहेगा जैसे एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर लाइन है यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है यहाँ मेरा एक्स वन और वाई वन है यहाँ मेरा एक्स टू और वाई टू है ठीक है यहाँ पर पी है जो कि एक्स और वाई अब हमारे पास रेशियो नहीं है ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ये कोऑर्डिनेट्स दे दिया ये कोऑर्डिनेट्स दे दिया ये दोनों दे दिया ये दोनों दे दिया ये सब सारा चीज दे दिया अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमको बताइए कितना रेशियो में ये डिवाइडेड है तो जब रेशियो फाइन करने के लिए बोलेगा ठीक है ना ऑर्डर टू फाइन रेशियो यहाँ लिख देते हैं एन ऑर्डर टू फाइंड रेशियो ठीक है ना हम लोग हमेशा किस चीज को लेके चलेंगे रेशियो को के इस टू वन में लेके चलेंगे तो इसको हम लोग k बना देते हैं और इसको हम लोग वन बना देते हैं के इस टू वन में तब जाकर हमारा m1 m2 कितना हो गया बताइए m1 वन रेशियो एम कितना हो गया दैट इज़ के इस टू वन लिटरली यही हुआ ना ये मेरा m1 होता है और ये मेरा m2 होता है अब सीधा हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो मेरा सारा का सारा वैल्यू दिया हुआ है ये भी वैल्यू दिया हुआ है ये भी वैल्यू दिया हुआ है तो बस इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा नंबर वन एक्स के लिए ठीक है ना एक्स के लिए फॉर्मूला क्या जाएगा एक्स इज इक्वल टू तो अब एक्स का तो वैल्यू तो पुट कर देंगे ठीक है के टू और प्लस सीधा एक्स वन इसमें एक्स वन और वाई कितना हो जाएगा के प्लस वन ये हो गया हमारा एक्स का वैल्यू और अगर वाई का वैल्यू निकालना है तो वही के वाई टू और प्लस वाई वन और बाई के प्लस वन यहाँ पर हम लोग जो भी वैल्यू होगा x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इसको लाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y का जो वैल्यू होगा यहाँ पुट करेंगे इसको लाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का इक्वेशन सॉल्व करेंगे आंसर हम लोग फाइंड करेंगे हमारा जैसे ही k फाइंड हो जाता है सपोज़ कीजिए सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के बेसिस पर हम बता देते हैं बता दे रहे हैं कि अगर के इस टू वन हमारा आ जाता है कितना मान लीजिए के का वैल्यू सॉरी के इस टू वन नहीं हम लोग क्या करते हैं का वैल्यू निकलेगा ना तो के का वैल्यू अगर आ जाता है टू बाई थ्री सपोज कीजिए के का वैल्यू आ गया टू बाई थ्री तो हम लोग क्या लिखेंगे के इस टू वन यानी कि टू बाई थ्री और इस टू वन अगर आपको समझ में आ रहा है दिख ही रहा होगा कि थ्री जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं समझ में आ रहा है तो इसका जो डेनोमिनेटर है थ्री दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू बाई थ्री इन थ्री कर दीजिए और रेशियो वन इंटू थ्री कर दीजिए तो ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा यहाँ टू बच जाएगा यहाँ थ्री तो इसका मतलब मेरा जो एम वन और एम टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा टू इस टू थ्री ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम बताएं कि अगर ऐसा कुछ होता है अगर समझ में नहीं आता तो आप लास्ट में ये कर सकते हैं ठीक है तो आपका ये फॉर्मूला हो गया जब आपके पास रेशियो दिया हुआ नहीं रहेगा और कॉर्डिनेट्स का पॉइंट दिया हुआ रहेगा समझ में आ गया यह कॉन्सेप्ट एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हैं इसको ऐड कर लेते पेपर हम इसमें हाँ। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो रहेगा कि लाइन डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस लाइन डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस तो वहां पर हम लोग क्या कोऑर्डिनेट्स को लेंगे ठीक है तो अगर लाइन डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस लिखा हुआ है एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है जो पी का जो वैल्यू है ठीक है कोऑर्डिनेट्स जो बनेगा जो पी का जो वैल्यू बनेगा वो एक्स वाई के फॉर्म में होता है ना तो एक्स का कुछ वैल्यू रहेगा और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि अगर लाइन डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस के थ्रू इसका मतलब एक्स का कुछ वैल्यू रहेगा और वाई वहां पर कोई वैल्यू नहीं रखेगा का वैल्यू हो जाएगा उसी तरीके से अगर हम लोग आते हैं लाइन डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस अगर वाई एक्सिस क्वेश्चन में दे रहा है कि लाइन को डिवाइड किया जा रहा है वाई एक्सिस के थ्रू तो हमारा पी कोऑर्डिनेट्स कितना बन जाएगा दैट इज जीरो और y क्योंकि जब y एक्सिस का काम आ रहा है तो वहां x एक्सिस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और y एक्सिस का कुछ वैल्यू रहेगा और वही हम लोग फाइंड करेंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है ध्यान में रखिएगा इसको चलिए आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में नेक्स्ट में क्या है एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ट्राई सेक्शन के फॉर्म में ट्राई सेक्शन क्या होता है भाई तीन इक्वल पार्ट्स में जैसे सपोज कीजिए एक लाइन है ठीक है यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है अब यहाँ पर इसको तीन अलग अलग यानी कि तीन इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है यहाँ मान लेते हैं पी दे देते हैं यहाँ क्यू दे देते हैं तो ट्राई सेक्शन में क्या होगा तीनों पार्ट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो आप सोच के देखिए कि अगर हम पूरे को हम लोग मान लेते हैं पूरा का पूरा थ्री के यानी कि जैसे ये वन हो गया टू ये थ्री तो टोटल को अगर हम लोग थ्री के मान लेते हैं है ना थ्री के मान लेते हैं तो ये यहां से यहां तक मेरा कितना हो जाएगा टू के हो जाएगा और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा वन के हो जाएगा अब देखिए के को आप काट भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते क्यों क्योंकि के जो है ना कैलकुलेशन में खत्म हो जाता है तो अगर मान लीजिए ट्राई सेक्शन का बात किया जा रहा है तो एक दो तीन ये एक हो गया ये एक हो गया ये एक टोटल तीन हो गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू होगा वो कितना का वैल्यू होगा टू का और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वन का अगर सपोज कर लीजिए आपको ये कॉर्डिनेट्स फाइन करना है तो आप यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है वो टू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है वो वन हो जाएगा ठीक है बात तो वही चीज़ हो गया बस आपको ध्यान में रखना है कि ये तीनों बराबर होता है तभी तो ट्राई सेक्शन कहा जा रहा है तो ट्राई सेक्शन का केस भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए एक और कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस में रहता है ठीक है ना ऐसा पूछ लिया जाता है तो क्या पूछ लिया जाता है भाई देखिए कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा ना मान लीजिए एक लाइन दिया हुआ है है ना मान लेते हैं एक लाइन है ठीक यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है दैट इज पी है ना और क्वेश्चन में क्या लिखा हो रहेगा क्वेश्चन में रहेगा क्या क्वेश्चन में गिवेन दिया हो रहेगा ठीक है, दिया रहेगा क्या भाई कि ए पी बाई एज इक्वल टू थ्री बाई फाइव ऐसे रह सकता है या तो ऐसे रह सकता है और AP, सॉरी AP इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू कितना रहेगा थ्री ए बी और बाई फाइव कुछ भी रह सकता है कैसे भी लिख सकता है ठीक है ना इसको घुमा फिरा के कुछ भी तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि हमसे बोला जा रहा है कि आप ए पी का वैल्यू को आप थ्री के लीजिए ठीक है यानी कि ये वाला वैल्यू थ्री के हो गया ठीक है रेशियो और ए बी मेरा फाइव के है ए बी मेरा ये ए से लेकर बी तक यहाँ से यहाँ तक मेरा फाइव के बोल रहा है तो अब ये बताइए पी से बी तक का वैल्यू कितना होगा पी से बी तक का रेशियो कितना हो जाएगा फाइव के और माइनस थ्री के ये हो जाएगा हमारा टू के ये वाला टू के हो गया अब हम लोग क्या करेंगे K और K को हटा सकते हैं तो ये मेरा एक्चुअल में रेशियो कितना बन जाएगा M1 वन रेशियो एम कितना बन जाएगा थ्री एस टू टू और जब थ्री एज टू टू एम वन एम टू बन ही गया तो हम लोग इससे डायरेक्ट फार्मूला जो सेक्शन फार्मूला जो है वो लगा कर हम लोग सीधा फाइन कर सकते ठीक है जो कुछ भी फाइन करने के लिए बोला जाएगा तो ये जो इतना सारा जो कॉन्सेप्ट है ये सेक्शन फार्मूला में आपको ध्यान में रखना ही होगा तभी जाकर कर क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए ठीक है आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हो वो आप पर डिपेंड करता है आप कितना कैलकुलेशन करते हो या कैलकुलेटर यूज़ करते हो कैलकुलेटर तो भूल के भी मत यूज़ कीजिए क्योंकि कैलकुलेशन है तो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि तो एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा ठीक है सिंपल है तो ये सब छोटा छोटा चीज़ को ध्यान में रखिए और बस पॉजिटिव माइंडेड रखे माइंड सेट ही सब कुछ होता है माइंडसेट पॉजिटिव रखकर सॉल्व करते जाइए और फिर से हम बोल सकते हैं बोल रहे हैं आपको कि अगर ये वीडियो लेट आ, आने में बहु, बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया जिसके वजह से हम सॉरी बोलते हैं अब जो वीडियो आएगा ना वो कंटिन्यूसली आते जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग देख लें सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला का कॉन्सेप्ट और जो भी कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो सभी को ठीक है और दूसरा ये है कि अगर आप लोग को चाहिए कि आ, सर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दीजिए एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दीजिए तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा जिसमें अगर ज़्यादा कमेंट रहेगा इस चीज़ को लेकर तो हम सॉल्व करने का भी कोशिश कर देंगे ठीक है चलिए तो बस आप लोग सॉल्व करते रहिए सॉरी सॉल्व तो नहीं करना है आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझना है कॉन्सेप्ट समझिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर और बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा बाय बाय